दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच 4 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 9:30 बजे से शुरू होगा। और ऐसे में खबरें निकल कर आई हैं कि चौथे टेस्ट मैच की पिच को बैटिंग के लिए अनुकूल रखा जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या को खिला सकती है। वहीं जहां चौथा टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए जीतना जरूरी है या फिर ड्रॉ कराना जरूरी है, और उतना ही जरूरी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, क्योंकि अगर भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी और भारतीय टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम के लिए चौथा टेस्ट मैच काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इस इम्पोर्टेंट मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 किस प्रकार होने वाली है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेले तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 की। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम पिछले 2 मैच हार कर आ रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से भी बाहर हो चुकी है। ऐसे में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए डोमिनिक सिमली और जैक कराउली ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में जॉनी बेस्टो, कप्तान जोए रूट, बेन स्टोक्स, ओली पोप और बेन फोक्से मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में डोम बेस, जैक लीच, जोफ्रा आचर और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम अपने पिछले 2 मैच काफी शानदार तरीके से जीत कर आ रही है, और वहीं भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल आएंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली, अचिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा और उमेश यादव भारतीय टीम का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने चौथे टेस्ट मैच से पहले अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में उनकी जगह उमेश यादव या मोहम्मद सिराज को खिलाया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी होगी चौथे टेस्ट मैच के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। दोस्तों, आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।